सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं, हजारों बल्कि लाखों अगर 47 से ले लें सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो, यह पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। यह सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ थे। Something historical has happened. Is not ordinary day to day functioning of the bills and passes. So far, I strongly condemn the act of two or three members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो यू शट अप मिस्टर भाई को सो हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया, जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खुशियां उड़ा दी, इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट।
So I call upon Sri Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Please. I have already said it. Sabhapati Mahoday. बैठ जाइए, अदर वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, एल ओ पी स्पीकिंग वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। सम पार्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है, तीन मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वॉर सिचुएशन है उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के बिल साथ बिल के साथ पास करेंगे, तीन बिल सारे बिल को हम पास करेंगे, तीन बिल सारे चर्चा करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं, ये सभी विषय जो ये सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने बिल के हम चर्चा कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो संसद के नेता को और समूचे नेता को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों सब पर मैं तैयार हूँ, सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप मुतमईन न हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर प्लीज। गुलाम नबी जी सुनिए, बोथ ऑफ यूर important members, you can protest, sir, that is not the way. Maniye Gurudev ji, aap Home Minister, Nabi ji, mujhe nothing sunye. Else will go on record except Home Minister. He is saying he is ready to answer. What is your problem? Please. Arey bhai, no, I have already given my ruling on this. What is the point of order? What is the rule? No, please, not every day. Every day it's not happening. Please. You can't speak without my permission, Sri Madhusudan Mistri ji. आप वरिष्ठ है, कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पुनिया जी बैठ जाइए, what is the rule? Sir, point of order. Everything will come for discussion. But what can I do? You are all friends. Sir, my point of order is on rule 69. Sir, Rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it, without members reading it. It allows you the power, sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, sir, but the rest of the 69, 1, 2, 3, 4, and the first four lines, sir, on that I appeal to you, sir, to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills, to understand these bills. For example, this is a good bill. Right. But when we are not given the time, sir, I appeal to you. You have the power to circumvent all. But we feel deprived, sir. I got your point. I respond. Thank you, sir. I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made and I am saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only 2 days left, so we have to understand the importance. आपका रीडर ने बोला डोरा जी आपके हो यार, he is capable, I heard him and also have taken it positively. So it's not Anand ji, it's not only that bill, there are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है उसका भी जवाब होगा कश्मीर में, उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज आप करिए, माननीय गृह मुझे पांच मिनट सुनिए और हम बिल ले लेंगे। नहीं नहीं, गुलाम नबी साहब मुझे पांच मिनट रूलिंग देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा, मुझे पांच मिनट सुनिए प्लीज। यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, यू रेज द रेलेवेंट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट, कंट्री इज ऑल्सो
taking note of the same what is happening and all, it is the duty of the government to explain to the house. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved and then we discuss. Please, Vaidyaya, we know. आप बैठ जाइए प्लीज कृपया आप बैठ जाइए श्री अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर नथिंग एल्स इज गॉट टू गॉड अदर देन होम मिनिस्टर नथिंग एल्स इज गॉट टू सभापति महोदय शिवाजी प्लीज बैठिए मैं प्लीज सिट डाउन मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक कर कर डिवीजन करना है तो डिवीजन मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए उस पर भी मैं जवाब दूंगा अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत माय ओन विजडम आई हैव परमिटेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस इश्यू महोदय इट विल कम टू यू वन आफ्टर अनदर इट विल कम टू यू प्लीज महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो माननीय सभापति महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए
Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Reservation Second Amendment Bill. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए. ये पद्धति नहीं है.